भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने केबल टीवी ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ट्राई ने घोषणा की है कि 1 मार्च 2020 से ग्राहकों को 130 रुपये में 200 चैनल मिलेंगे। वहीं 12 रुपये से अधिक कीमत वाले सभी पे टीवी चैनल किसी भी बुके का हिस्सा नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले केबल टीवी ग्राहकों को 130 रुपये में केवल 100 फ्री टू एयर चैनल मिलते थे। टैक्स मिलाकर ये 154 रुपये के लगभग बैठते थे, जिनमें से 26 चैनल केवल प्रसार भारती के होते थे। ट्राई ने नियमों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कंपनियों को टैरिफ की जानकारी 15 जनवरी को वेबसाइट पर डालनी होगी। इसके अतिरिक्त अपने मनपसंद चैनल को देखने के लिए तय रकम का पेमेंट करना पड़ता है। सभी प्रमुख ब्रॉडकास्ट ने अपने पैकेज अनाउंस कर रखे हैं। ब्रॉडकास्टर 19 रुपये वाले चैनल बुके में नहीं दे सकेंगे। 12 रुपये से कम कीमत के चैनल ही बुके में दिए जा सकेंगे। उपभोक्ता के लिए करीब 33% का डिस्काउंट होगा। NFC इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर्स कितने फ्री टू एयर चैनल देख रहे हैं। साथ ही एला कार्टे अलग से चुने हुए चैनल पैक की कीमत महंगी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि ट्राई इस चैनल पैक के प्राइस को कम करने पर विचार कर रहा है, जिससे यूजर्स कम कीमत में ज़्यादा चैनल देख सकें। ट्राई ने एक ही घर या फिर ऑफिस में एक से अधिक कनेक्शन लेने पर 40% छूट देने की बात कही है। अब केबल कंपनियों को ऐसा कनेक्शन देने पर कीमतों में कमी करनी होगी। अभी ऐसे कनेक्शन पर भी NCF पहले कनेक्शन के सामान ही रहती है। ब्रॉडकास्ट 15 जनवरी तक अपने चैनल की दरों में बदलाव करेंगे। 30 जनवरी तक दोबारा सभी चैनल की रेट लिस्ट पब्लिश होगी। 1 मार्च 2020 से नई दरें लागू होंगी। ट्राई ने चैनल के लिए कैरिज फीस 4 लाख रुपए तय की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।